कॉट की वैल्यू होती है कॉट थीटा की वैल्यू दोस्तों होती है बेस अपॉन में पोपेंडिकुला ठीक है ये वैल्यू होती है ना बेस अपॉन में तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पे हमको वही चीज लेनी पड़ेगी एक ट्राइंगल एक ड्रॉ कर देते हैं हालांकि इन क्वेश्चन में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल अभी आप नया नया सीख रहे हैं तो ट्राइंगल के साथ ही कर ले इसको बेस ले लीजिए बेस वाला थीटा ले लीजिए

तो क्या हम बोल देंगे आफ्टर कंपैरिजन एंड कंपेयर इट इसको कंपेयर कर देते हैं ठीक है जैसे ही हम लोग इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों ये वाली बात हमेशा याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट तो कॉट कॉट ए की वैल्यू थी आपकी 8/15 जो कि बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर तो आपस में कंपैरिजन के बाद दोस्तों हमारे पास बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये हो जाएगा एट के और हो जाएगा की के। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं बेस की आ गई है और परपेंडिकुलर की आ गई है तो यहाँ भी कर ही देते हैं ठीक है बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेंशन कर देते हैं हमको फिर से पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा ठीक है जैसे ही आप पाइथागोरस से निकालेंगे फिर इससे यहाँ पे लिख दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी हो गई है एट के अभी अभी आपने निकाला है और पोपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई है दोस्तों फिफ्टीन के तो हाइपोटनिस को निकालने के लिए अगेन एच स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथोग थियोरम ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ठीक है तो आपका थीरुम, थीरुम. ये आपका थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है हाइपोटनिस की वैल्यू हाइपोटनिस का स्क्वायर इजल टू पोपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज फिफ्टीन का स्क्वायर दोस्तों एंड प्लस एट का स्क्वायर तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 15 का स्क्वायर होता है 225 टू के का स्क्वायर आ गया प्लस के का स्क्वायर दोनों को अगर जैसे ही आप एडअप करते हैं 225 ट्वेंटी प्लस सिक्सटी जैसे ही आप एडअप करते हैं टू एटी आ जाएगा टू एटी आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर मैं लिख दूँ एच स्क्वायर इक्वल्स टू टू तो स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तुरंत एच की वैल्यू टू एटी नाइन सेवनटीन का स्क्वायर होता है तो ये सेवनटीन आ गया तो हाईपोटन दोस्तों कितना आ जाएगा ये के भी था ना यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिए एक मिनट थोड़ा ऊपर से डालते हुए हाँ तो ये हो जाएगा सेवनटीन के तो दोस्तों हमारे पास हाईपोटन्यूज की भी वैल्यू आ गई तो इस हाइपोटन्यूज को यहाँ पे मेंशन अप कर दीजिए क्योंकि अभी हम यूज करेंगे ना तो हमारे पास कितनी है सेवनटीन के

बी uh, कह रहा हूं और अदर सी हो गया होता तो फिर दोबारा फिगर बनती और ये चीजें वैल्यूज चेंज हो जाती बेस की वैल्यू चेंज हो जाती और जिसकी मदद से आपका पूरा का पूरा डेटा चेंज हो जाता इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि ये ए है ए पर इसी ट्रायंगल पे काम करना है इतफाक से दूसरा भी ए ही है तो इसी ट्रायंगल पे काम होगा मान लीजिए अगर ये सी ले दिया होता तो नया फिगर बनता और परपेंडिकुलर बेस बन जाता बेस परपेंडिकुलर बन जाता चीजें चेंज हो जाती तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा एग्जाम में अगर ऐसे आ गया और आप जल्दीबाजी के चक्कर में आपने कर दिया तो पूरा दोस्तों सब कुछ आते हुए भी वो वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा

तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आप लोगों को यहाँ देख लीजिए हाइपोटनिस अपॉन में बेस तो हाइपोटनिस अपॉन में बेस होता है उठा के वैल्यू डाल देते हैं दोस्तों हाइपोटनिस की वैल्यू कितनी है सेवनटीन के ओवर ओवर आपका बेस की वैल्यू कितनी है एट के तो दोस्तों ये k से k कट गया 17 बाई के इज द आंसर सो दिस इज हाउ आप करते हैं तो ये दोनों की भी वैल्यू आ गई तो प्रॉपर वे में करना जरूरी है याद दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ और किन किन बारीकियों का आपको ख्याल रखना है अगर इन सब चीजों के साथ अगर आप क्वेश्चन को करते हैं और समझदारी के साथ और विनम्रता के साथ अगर आप बढ़ेंगे ट्रस्ट भी कई बार आप बहुत बढ़िया कर जाएंगे और कई बार क्या होता है कि सब कुछ आते हुए भी गड़बड़ हो जाते हैं मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते वो इन्हीं बारीकियों की वजह से होता है दोस्तों सो सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर फोर अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है दोस्तों <coughs> तो ये रहा आपका आपके सामने क्वेश्चन नंबर फाइव अब इसको देखते हैं फिर से वही चीज है फिर से वही चीज है

जो कि इक्वल होता है मैं सबकी वैल्यूज भी लिख देता हूँ ताकि तुरंत हम पुट कर देंगे sign, sign थीटा हमसे चाहेंगे sign चाहेंगे उसके बाद हमसे ये लोग थीटा मांग रहे हैं साइन देखिए कुल मिला के पांच आएंगे क्योंकि छह होते हैं तो टोटल जिसमें से एक उन्होंने दे रखा है बाकी पांच पूछा है तो साइन कॉस फिर ये लोग हम लोगों लो से जानना चाहेंगे टेन थीटा ठीक है फिर ये हम लोगों लो से जानना चाह रहे हैं साक थीटा साक थीटा इन्होंने दिया है और फिर ये लोग हम लोगों से जानना चाहते हैं

Excuse me. तो साइन tan, cosec, and कॉट इनकी वैल्यूज अपने को निकालनी है ठीक है तो ये चीज इसके लिए थी यहाँ पे हम लोग कर देंगे कलर कोड कर देता हूँ ताकि इजी रहेगा ये चीज के लिए ये थी ठीक है दोस्तों फिर आ गया हमारा ये और लास्ट में हमारे पास आएगा ये चीज तो इनकी वैल्यूज हमको यहाँ पे लिखनी है क्वेश्चन इज डिमांडिंग ठीक है दोस्तों तो आइए इनको कर देते हैं ये आ गया तो इनकी वैल्यूज हमको निकालनी है तो सबसे पहले हमको तीनों चीजें चाहिए परपेंडिकुलर बेस एंड अपने को चाहिए तो परपेंडिकुलर बेस एंड ये तीन चीज चाहिए अपने को तो यहाँ पे देखिए सेक्ट थीटा की वैल्यू हमको दे रखा है सेक्ट थीटा की वैल्यू हमको दे रखा है कितना दे रखा है थर्टीन बाई ट्वेल्व दे रखा है ना दोस्तों 13/12 हमको sec थीटा दे रखा है तो इसमें क्या हो गया आफ्टर राइटिंग कि लेट द साइड बी कहां पे करूं यहां से कर दूं लेट द साइड बी के लेकर आप जैसे ही आप करेंगे एंड कंपेयर इट कंपेयर इट तो क्या मिल जाएगा अपने पास ये देखिए sec थीटा 13/12 था तो आफ्टर कंपैरिजन क्या हो जाएगा sec बेसिकली होता क्या है यहां पे लिख देता हूं

और बेस की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी हमारे पास ट्वेल्व के तो ये, तो ये आ गया अपना यहाँ पे थर्टीन के ये चीज आ गई दोस्तों अपने पास बेस की वैल्यू आ गई अब जरा एक फॉर्म कर लेते हैं ये रहा हमारे पास ट्राइंगल और इनके नामकरण कर लो दोस्तों चूंकि ये थीटा है तो ये रहा आपका थीटा मान लीजिए इसको मान लीजिए ए बी सी ठीक है तो ये थीटा आपका कंसिडरिंग थीटा हो गया तो बेस की वैल्यू आ गई है दोस्तों ट्वेल्व के और हाइपोटन की वैल्यू आ गई है थर्टीन के ठीक है तो आफ्टर पाइथागोरस जैसे ही आप को अप्लाई करेंगे ये कर रहा आपका फिगर और इसी की मदद से यहाँ पे हम लोग अप्लाई करके निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है दोस्तों एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारे पास h की वैल्यू है थर्टीन के का स्क्वास टू परपेंडिकुलर दोस्तों हमको नहीं मालूम क्वेश्चन मार्क कर दीजिए ये लीजिए क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्यों करना इसको आप p ही रहने दीजिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों ट्वेल्व के का स्क्वायर तो जैसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो जैसे ही आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 के का इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस 144 के का स्क्वायर तो ये माइनस हो गया 169 169K, ये देखिए दोस्तों 169 k के स्क्वायर माइनस 144 k स्क्वायर के तो जैसे ही आप माइनस करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये हो जाएगा 25 ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ द साइड जैसे ही आप कर देंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी फाइव के हालांकि प्लस माइनस में हमेशा वैल्यूज आती हैं कई बार मैं बोल बोल रहा हूँ कई बार नहीं बोल रहा हूँ तो आप अंडरस्टूड लीजिएगा कि हमेशा वैल्यूज स्क्वायर रूट करने के बाद प्लस माइनस में आती हैं और चूंकि ये ट्राइंगल है तो हमेशा आप लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास दोस्तों ये बेस था ठीक है बेस था ये परपेंडिकुलर था अब हम आई oh, गाइस so, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की, तो तो की वैल्यू आ गई फाइव के ठीक है हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई है ट्वेल्व के एंडपोर्टन्यूज की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास थर्टीन के उठा के इधर सब जगह डालते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया? Perpendicular अपॉन में hypotenuse। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 5k over over 13k के से के काट काट दीजिएगा 5 by 13 आ जाएगा। आ जाएगा। ठीक <coughs> वैसे ही cos की वैल्यू बात करें तो बेस अपॉन में hypotenuse है। तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 12k over hypotenuse कितना है दोस्तों? Hypotenuse कितना है 13k। तो इसके के से के काट दीजिएगा

Excuse me. Theta आ, क्या होता है दोस्तों 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 में में होता है तो base है है तो 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 हमारे 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 पास 12K upon में, हमारे पास पास <coughs> तो ये कट गया गया और हमारे पास answer आ गया. तो जैसे कि कि आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे आंसर्स बहुत ही ईजी तरीके से आपके पास आ जाएंगे सो दिस इज हाउ प्रॉपरली आप लोगों को करना है हमेशा बोल रहा हूँ दोस्तों फिर से बता देता हूँ ये वाला जो बात है ना कि ये लेट करके करना प्लीज देखिए आप लोग ये के वाला कॉन्सेप्ट हमेशा रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं हो सकता है कि आपके एग्जाम में दोस्तों कि टीचर जो है वो इस बात के मार्क्स काट ले कि वो सिंपल सा आपसे आर्गूमेंट कर सकते हैं कि क्या 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 अगर सेक्ट

और यही बारीकियां हैं दोस्तों आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर फाइव ये था क्वेश्चन नंबर फाइव मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर और एंगल्स सच दैट कॉस इक्वल्स टू कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर दो मार्क्स में पूछा जाता है तो दोस्तों ये अक्सर दो मार्क्स में पूछा जाता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज तो इन्होंने क्या बोला है कि एक ऑब्वियसली ये चूंकि ये कॉस और साइन की बात बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है जी ठीक है और ए और बी की बात किए हैं तो राइट एंगल एट सी ही होगा ऑब्वियसली तो आप इसको ए ले लो या इसको ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो इन्होंने क्या बोल दिया कि ये दोनों चीजें एक्यूट एंगल है ये तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्यूट ही होगा है ना नबे से तो छोटा ही होगा ना क्यों नब्बे से छोटा होगा क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो ये नब्बे है तो ट्रैंगल तो बनेगा ही नहीं है ना तो इट इज वेरी मच ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स ठीक है अच्छी बात है ये तो बोल दिया ए एंड बी एक्यूट एंगल्स है फिगर भी मैंने आपके सामने बना दिया सच दैट ये इंटरेस्टिंग चीज दिया इन्होंने तो हम लोग लिखते हैं गिवन फैक्ट्स कि इस इन्होंने क्या बोला हुआ है सबसे पहली बात क्या बोली थी ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स ठीक है ये बात बोल रखी थी और दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला है कि तो दोस्तों यहां पे के लिए आपके पास थीटा ये लिया गया हुआ है पहले केस के लिए और दूसरे केस के लिए इन्होंने क्या कर दिया है कि ये वाला थीटा ले लिया है एंगल बी को इन्होंने थीटा ले लिया है तो ये दो बार एंगल बी को इन्होंने थीटा ले लिया है थीटा तो ये दो बार एक रेड के लिए और एक ब्लैक के लिए, हमेशा के लिए जो होता है दोस्तों सदैव के लिए वो तो कॉन्स्टेंट ही रहता है वो चेंज नहीं होता तो कॉस की सबसे पहले हम वैल्यू पता कर लेते हैं जी की थीटा बेसिकली होता क्या है तो अगर आप लोग ध्यान से देखें बेस अपॉन में हाइपोटन्यूज होता है तो मैं कहीं लिख दू यहां पे देखिए हमेशा याद रखिएगा थीटा जो होता है वो क्या होता है दोस्तों वो होता है बेस अपॉन में, में इसको मत भूलिएगा तो आ, सबसे पहले केसेस बनाते हैं दो केस में इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो फॉर थीटा ले लेते हैं फॉर थीटा फॉर थीटा इक्वल्स टू ए मतलब फर्स्ट कंसीडर हम कर रहे हैं ए के लिए तो अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कलर चेंज में ध्यान दीजिएगा अगर इसको हम कंसिडर कर रहे हैं तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया ठीक है इसको इसको थीटा कर देते हैं, इसको बाद में हम करेंगे, और कलर से। तो ये जैसी मेरे पास थीटा आ जाएगा ये देखिए, तो थीटा इज इक्वल टू ए अगर मैं थीटा ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों कौस ए, कौस ए, कॉस ए की वजह से मेरे पास जो बेस होगा वो मेरे पास जो बेस होगा देखिए मेरे पास जो बेस होगा कॉस ए तो बेस बाई हाइपोटनिस होता है यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ जो मेरे पास बेस होगा वो क्या होगा ए सी तो मैं डालता हूँ ए सी अपॉन में हाइपोटनिस की वैल्यू क्या है दोस्तों ए बी इसको दे दो फर्स्ट इक्वेशन ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही मेरे दोस्तों हम थीटा इस ब्लू वाले को अब ले रहे हैं ठीक है इस ब्लू वाले को कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फॉर फॉर थीटा इक्वल्स टू बी तो अगर ये थीटा अगर हम ले रहे हैं तो ब्लू वाले को आप मानिएगा अब ये बेस बन जाएगा अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा तो वही चीज लिखेंगे देखिए कॉस ए जो है कॉस कॉस बी जो है बी निकाल रहे हैं ना बी के लिए कॉस बी जो होगा सेम बेस अपॉन में हाइपोटमिस तो होगा लेकिन जो कि वैल्यू चेंज हो गई है तो बेस अब क्या बन गया है दोस्तों ब्लू के लिए बेस क्या बन गया है बीसी बन गया ना बी सी अपॉन में हाइपोटनस तो वही है ए अब आप इसको इक्वेशन टू दे दीजिए अब ये बोलिएगा अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं एज गिवन एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दो एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि कॉस ए की वैल्यू बराबर थी कॉस बी के तो इनकी वैल्यूज डाल देते हैं देखिए कॉस ए की वैल्यू आप लोग ये निकाले हैं कॉस बी की वैल्यू आप लोग ये निकाले हैं उठा के डाल दीजिए तो क्या दिखेगा आप लोगों को ए सी बाई ए बी एक दोस्तों बी सी बाई ए बी इधर जाके कट जाएगा तो इससे क्या मेरे पास आएगा कि ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया तो ए सी इक्वल्स टू बी सी हो गया ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे देर मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी आइसो आइसोसोलिस्ट एंगल बन गया डेट इज दूसरे शब्दों में डेट इज मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों नंबर सिक्स वेरी इजिली ठीक है so six, दोस्तों तो ऐसे आप लोगों को करना है तो सारा गेम जो है ना थीटा का ही होता है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे जितना आप ध्यान पूर्वक करेंगे ठीक है उतना ही आप अच्छी तरीके से आप चीजों को सीख पाएंगे तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर यू अब आगे बढ़े ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉर यू अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन में तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं